देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये कौन कौन से बदलाव किए गए हैं पूरा डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए गए हैं। अब देखिए इसमें तीन अहम मुद्दे हैं जिनको हमारे शिक्षा विभाग ने चेंज किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं आगे इसके बारे में पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट ने नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं, नए बदलाव किए गए हैं। अब चलिए इन देख लेते हैं तीन अहम मुद्दे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तीन बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए 34 साल बाद में शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। 10वीं बोर्ड खत्म करके एम फिल को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब जो होगा वो शिक्षा मंत्रालय होगा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को खत्म करके पूरी तरह से अब ये किस में चेंज कर दिया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय में चेंज कर दिया गया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा नीति में बड़े बदलाव कौन कौन से किए गए हैं। तो देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो 10th बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। और आपको पता है किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए हमें 10+2 चाहिए होता था, लेकिन अब 12वीं को खत्म करके यहाँ पर 5+3+3+4 यहाँ पर रख दिया गया है। पैटर्न आपका यहाँ पर रख दिया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 5+3+3+4 का यहाँ पर मतलब होता है कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं तक का जो 4 साल का समय है, टाइम है, उसमें बच्चा अब सेमेस्टर पढ़ाई करेगा, यानी कि अब कोई भी किसी भी स्ट्रीम को ले सकता है। चाहे 12वीं का आर्ट का स्टूडेंट मैथ पढ़ना चाहे या फिर बायो पढ़ना चाहे, या मैथ का बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहे या फिर बायो पढ़ना चाहे, या फिर बायो का जो स्टूडेंट है वो आर्ट भी पढ़ सकता है और मैथ भी पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से ले सकता है। तो ये अहम बदलाव इसमें किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 का पैटर्न यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई दिल्ली कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दिखा दी है। 34 साल बाद में शिक्षा नीति में नए बदलाव किए गए हैं। अब देखिए HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में ये मील का पत्थर साबित होंगी, ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय इसमें ली गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा नीति में बड़े बदलाव के बारे में। तो देखिए 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर यहाँ पर सिस्टम होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखिए अब देखिए 9वीं से 12वीं तक की जो एग्जाम होती थी, मतलब कि 10th की बोर्ड की एग्जाम देनी है या फिर 12th की बोर्ड की एग्जाम देनी है, तो वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आप जो है 9th से 12th तक कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अंग्रेजी कोई जरूरी नहीं है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां अंग्रेजी ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति में जो घोषणा की गई है इसमें 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अहम बदलाव कौन कौन से किए गए हैं। तो देखिए नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनको अब खेल माध्यम से मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए 9वीं से 12वीं तक क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा, जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल में यहाँ पर डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से कॉलेज की आपकी शिक्षा यहाँ पर होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब जो है आप मनपसंद विषय आप यहाँ पर चुन सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। तो देखिए आर्ट्स का जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, वो बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकता है, मैथ की पढ़ाई भी कर सकता है, और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है या फिर मैथ भी पढ़ सकता है। तो पूरा आपको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 34 साल बाद में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हुए हैं। तो देखिए इसमें
फर्स्ट और थर्ड क्लास के बच्चों के लिए शुरू होंगे नेशनल मिशन। इसके अलावा सिक्स क्लास के से ही बच्चों को सिखाई जाएगी कोडिंग, यानी कि जो कंप्यूटर जो सिस्टम है वो जो आपका ज्ञान है एजुकेशन उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि उसमें कोडिंग वगैरह की सारी बातें यहाँ पर इसमें की जाएंगी। ओके, अब देखिए पढ़ाई अधूरी छोड़ने पर भी मिलेगी डिग्री या फिर मार्कशीट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा बल्कि एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकते हैं। क्या नहीं करना होगा? एमफिल यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, अब जो एमए के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जितने भी स्कूल और उच्च संस्थान हैं वहाँ पर संस्कृत को पढ़ाया जाएगा बड़े स्तर पर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है हर कॉलेज में संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा, सारे यहाँ पर सब्जेक्ट अच्छी तरह से पूरे पढ़ाए जाएंगे नई शिक्षा नीति के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर पॉइंट है, निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। अब देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ पर यानी कि ज़्यादा फीस ली जाती है, मनमानी फीस वहाँ पर ली जाती है, तो देखिए जितने भी गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो सब वहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के पास में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक है स्टडी क्विज 1M। ओके गाइज, थैंक यू।